हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ही होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपना माइक एडाप्टर आ जाएगा, उसके बाद उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और अपने गोप्रो में कनेक्ट करके माइक से वीडियो बनाएंगे और देखेंगे वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। लेकिन ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जब अपना गोप्रो का माइक अडेप्टर आया, मैंने गोप्रो में कनेक्ट किया और उसके बाद जब मैं इस माइक को डायरेक्ट उस गोप्रो के माइक अडेप्टर में लगा रहा था तो ये वर्क नहीं कर रहा था। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 ब्लैक लाइन है और इसी के साथ एक और अलग से जैक दिया जिसमें 2 ब्लैक लाइन है। तो मेरे पास 2 या 3 माइक हैं, तो मैंने जब उस माइक अडेप्टर में दोनों तीनों जितने भी माइक थे सभी मैंने उसमें कनेक्ट किए तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहा था यार, लग रहा था जैसे माइक ख़राब है। फिर मैंने सोचा यार 2 3 माइक हैं, उसमें से एक माइक तो वर्क करना चाहिए। फिर मैंने उस माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखा तो तीनों माइक मोबाइल में वर्क कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा यार शायद माइक अडेप्टर गलत आ गया, माइक अडेप्टर ख़राब है। फिर मैंने कहा यार चलो एक बार देखते हैं। फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो की ट्यूटोरियल देखी लेकिन अपना काम नहीं बना। फिर मैंने देखा यार माइक के साथ एक अलग से पिन आई है, ये किस काम की होगी। तो जैसे ही मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया और फिर मैंने माइक अडेप्टर में लगाया तो ये वर्क करने लगी। तो जो मेन दिक्कत थी ना यार, वो थी इसकी, इसमें जो 2 लाइन वाली ब्लैक लाइन है, ये दो ये कनेक्ट हो रही है और ये जो माइक के डायरेक्ट मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 3 ब्लैक लाइन है तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सारी दिक्कत इस जैक में थी। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था फिर, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलो यार आगे देखेंगे, पहले शूट करके देख लेते हैं अपना माइक अडेप्टर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमारे जो दो मतलब कुरियर रह गए थे जिसमें अपने कुछ माउंट आने थे जो अपने को हेलमेट और बाइक में माउंट करने थे, तो वो आज आ जाएंगे। पहले मैंने उनको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था लेकिन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, लगभग 12 या 13 दिन हो गए वो अभी तक नहीं हुए थे। फिर उसके बाद मैंने अमेजोन से किया तो आज अपने को मैसेज आ चुका है और वो दोनों पार्सल आज रिसीव हो जाएंगे। तो जब अपने पार्सल आ जाएंगे उसके बाद अपने लोग जो अपना हेलमेट है उसमें अपना गोप्रो का सेटअप करते हैं। वैसे तो मैंने कभी पहले किया नहीं है लेकिन मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियो देखी हैं यूट्यूब में, तो अभी देखते हैं अच्छे से अपना सेटअप हो पाता है या नहीं। तो पहले यार अपने को थोड़ा सा एक काम है, पहले वो उसको निपटा लेते हैं। तो चलते हैं पहले उस काम को निपटाने, फिर उसके बाद पार्सल रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे अपने गोप्रो का सेटअप, अगर ठीक से हो तो ठीक है। वैसे यार ठीक से होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जो हेलमेट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार एम सील लगाएंगे और मतलब सेटअप हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले एक दो बार फिर से वीडियो देखेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे यार। हाँ जी, तो जिस पार्सल का हम इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अपने को रिसीव हो चुका है अभी। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं यार क्या क्या आया है, क्योंकि उसके बाद अपने लोगों को ये बाइक राइडिंग के लिए हेलमेट में पूरा सेटअप करना है। तो मैंने पहले तो कभी नहीं किया है सेटअप और अभी देखेंगे यार कुछ ट्यूटोरियल वीडियो देखेंगे, अच्छे से सेटअप करेंगे। भगवान करे सब कुछ सेटअप अच्छे से हो जाए ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी यार, क्योंकि एक बार अगर एम सील लग गई और सेटअप ठीक से नहीं हुआ तो फिर वो पूरा हेलमेट ख़राब हो जाता है और फिर बहुत ही दिक्कत होती है यार से दोबारा सेटअप करने के लिए। तो इसमें है अपना पावर बैंक जो अपने को राइडिंग के टाइम काम आएगी, क्योंकि गोप्रो की बैटरी 70-75 मिनट टिकती है, उसके बाद पूरी डेड हो जाती है। तो अपने को ये राइडिंग के टाइम काम आएगी। और ये है अपने कुछ माउंट जो हमको गोप्रो के सेटअप के लिए हेलमेट में माउंट करने हैं और उसी से ही गोप्रो का पूरा सेटअप हो पाता है।
यह 3M टेप, यह है कर्व और यह है फ्लैट। और जो अपने को चाहिए था वो अपने को एक ये मेन चीज़ चाहिए था कैमरे के लिए, और एक ये जे माउंट, क्योंकि हेलमेट थोड़ा कर्व होता है तो ये लगेगा हेलमेट में और ये लगेगा इसमें, ये ऐसे लग जाएगा हेलमेट में। और यहाँ पर अपना सेटअप होगा फिर गोप्रो का, तो अपने को बस यही चाहिए था मेन चीज़। और एक्स्ट्रा भी आ गया, ये भी कभी ना कभी काम देंगे, और ये भी, और ये तो काम की है ही। तो अभी चलो, और दूसरा है अपना पावर बैंक, जो अपने को राइडिंग के टाइम यार बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है। इसके बिना तो राइडिंग अधूरी है, क्योंकि अगर बैटरी एक बार ख़त्म तो समझ लो पूरी राइडिंग बेकार। और मैं पिछले दो वीडियो से देख रहा हूँ, जो गोप्रो की वीडियो क्वालिटी आनी चाहिए वैसी वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है। लगता है मेरे को या तो मेरे गोप्रो की सेटिंग में दिक्कत है, या फिर जिस मोबाइल से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ उसमें दिक्कत है। क्योंकि यार अपने मुझे लगता है अपना मोबाइल से काम नहीं बन पाएगा, अपने को लैपटॉप ठीक कराना ही पड़ेगा। क्योंकि यार जिस हिसाब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसी क्वालिटी नहीं आ रही, मतलब इतनी वर्थ क्वालिटी नहीं आ रही है, बहुत ही मतलब लो क्वालिटी आ रही है। फिर देखूंगा अब की इस बार कोशिश करके, अगर आधी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है अपना मोबाइल से काम नहीं बन पाएगा और अपने को जो अपना लैपटॉप वो ठीक कराना पड़ेगा, और फिर अपनी सारी वीडियो लैपटॉप से ही एडिट करनी पड़ेगी।